अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। 10 चीजें जो गरीब लोग करते हैं लेकिन अमीर लोग नहीं करते। इन चीजों के मेरे बताने से पहले आई वांट टू एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि किसी को मैं दिल दुखा रहा हूं, किसी को मैं नीचा दिखा रहा हूं, क्योंकि गरीब होना हर बंदे के हालात वो काबू में नहीं होता। बट दिस इज अ चैनल जो ऑफ्टन ऐसे लोग देखते हैं जो गरीब नहीं रहना चाहते, जो अमीर बनना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, दे वॉन्ट टू बी एंटरप्रेनर्स। ये वो चैनल मोमन अक्सर देखते हैं। सो डू नॉट टेक दिस, ये ना पर्सनली मत लीजिएगा कि मैं आपके खिलाफ कुछ कह रहा हूँ। और अक्सर क्या होता है, ये जो जब वो मेरे मिलियनर भाई जान ये देखेंगे, वो इस पे गौर कर रहे होंगे, और जो भाई ये मेंटालिटी नहीं रखते, मिलियनर वाली मेंटालिटी नहीं रख रहे होते, वो नीचे कॉमेंट्स में मुझे गालियां गलौच दे रहे होंगे। ये पॉइंट्स मुझे बताने का मकसद ये है कि आपको मैं आगाह करूं। लेकिन अगर आप ऑफेंड होते हो, अगर आप ये समझते हो कि ये आपके खिलाफ और आप में वो बर्दाश्त नहीं है, टॉपिक आपको पसंद नहीं आता, तो जाओ यार कोई और ड्रामा वगैरह देखो, वॉच समथिंग फनी, वॉच लिसन टू सम सॉन्ग, बट स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो। नंबर एक, गरीब लोग टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एंड दे हैव अ फेवरेट न्यूज चैनल। अगर आप कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हो या आपको सेलिब्रिटी गॉसिप पसंद आती है, देन देयर इज अ बिग चांस कि आप गरीब हो। मुझे थोड़ी वजाहत करने दो। इन चीजों को करने से आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आएगी। अमीर लोग बजाय कि टीवी देखने के, उनमें ये चाहत होती है कि मैं टीवी पे हाजिर हूं, मैं टीवी के स्क्रीन पे आऊं। यही चीज उन्हें सेलिब्रिटीज बनाती है, और उमूमन सेलिब्रिटीज अमीर होते हैं और जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। और अगर आप ये मुझे कहते हो कि आजाद भाई ये बात नहीं है, मैं टीवी या फेसबुक पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे पास मसले बहुत ज्यादा हैं और मैं उनसे 2-4 मिनट दूर होना चाहता हूँ, then that is your problem। यही तो problem है। अमीर लोग क्या करते हैं, वो problems को head on tackle करते हैं ताकि वो problems ही ना रहे, आप अपनी problem से भाग रहे हो, and this is the गरीब mentality। और अगर आपको एंटरटेन अपने को खुद करना ही है, देन यू मस्ट डू वन थिंग। वो जो मैंने ईट द फ्रॉग डड्डू खाने वाला वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने कहा था कि आप एक टू डू लिस्ट बनाओ, जहां पे आपने अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम्स लिखने हैं दिन के, और वो जब 10 काम हो जाएंगे उस दिन, देन अपने आप को एक तोहफे की तरह अपने आप को रिवॉर्ड करो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा मैक्सिमम एंटरटेनमेंट का। और अगर आपको न्यूज वगैरह देखने हैं, तो देन जस्ट गो ऑनलाइन एंड चेक द हेडलाइंस, चेक करो हेडलाइंस, जान लिया, एंड देन बिकम द हेडलाइंस, गो वर्क टू बिकम द हेडलाइंस। बजाय कि जस्ट सुनना कि आज इमरान खान साहब ने क्या किया, पीएम नून ने क्या किया, ब्ला 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 ब्ला। कहना क्या चाह रहा हूं, इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, बिकम पार्ट ऑफ द स्क्रीन, बिकम ऑन द अदर साइड, बिकम, मैं जिस तरह कह रहा हूं, I'm actually talking on the camera, ठीक है? देखो आपका भाई भी ना डन अ फ्यू वीडियोस, मैं भी सेलिब्रिटी हो गया। नंबर दो, गरीब लोग स्ट्रीट फूड जो होता है, गलियों में जो बिकता है खाना, रेडियो पे जो बिकता है, वो खाते हैं। जब से मैं छोटा था ना, छोटा इतना सा, तब से मुझे पता है कि आई एम नॉट अलाउड टू ईट रेडियो वाले से मैंने नहीं खाना। इवन दो मैं स्कूल से वापस आ रहा हूँ, वैगन के पीछे बैठा हूँ, जेब में शायद 1-2 रुपया है, उस वक्त 1-2 रुपया बड़ी चीज हुआ करती थी, रुपए का समोसा पकौड़ा मिल जाया करते थे अच्छे खासे आपको, यानी उस वक्त 4 आने 8 आने वॉज मेजर करेंसी, और फिर भी वी डिडंट बाय देम। गाड़ी ये करीब जाके रुकती थी, वो पकौड़े वाला होता था, डेरों से कबाबों के लगे होते थे, अंडे वो जिन पे मसाला लगा होता है, चिप्स, एवरीथिंग। लेकिन एक चीज मुझे अंदर से वो चल रही थी, मेरी बत्ती चल रही थी कि यार इन रेडी वालों को गुजारा कैसे होता है, इस चीज को कौन लेता है, कौन खाता है। गरीब लोग हाइजीन का कोई ध्यान नहीं करते, और ना उनको परवाह होती है कि इसका मयार खाने का कैसा है। वो ये नहीं सोचते कि शॉर्ट टर्म में वो बीमार होंगे एंड लॉन्ग टर्म में भी उनको बीमारियां होंगी। शॉर्ट टर्म में उनको अस्पताल के बिल देने पड़ेंगे, दवा का पैसा देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में उनको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स, शुगर वगैरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इससे या तो वो जल्दी मर जाएंगे, या उनको जल्दी से रिटायर होना पड़ेगा, काम नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान या वो अपनी सेविंग्स या उधार पैसे लेके इलाज में उड़ा देंगे। अगली जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा विरसे में, और वो फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, बल्कि जीरो से नहीं, माइनस से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होगा, वो जो बंदा जब वो मर रहा था, लास्ट अपनी वो उसमें बेड था, डेथ बेड पे था, तो उस वक्त उसने उधार ले लिया था अपने इलाज के लिए, और बच्चों को वो उधार जो है ना वापस करना पड़ेगा। नंबर तीन, जवानी में गरीब लोग अमीर लोगों से ज्यादा सुस्त होते हैं, लेजी होते हैं, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, बहाने मारते हैं, और काम उस वक्त नहीं स्टार्ट करते जबकि उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती, या अबू किसी जगह उनको जॉब नहीं लगा देते। अमीर लोग बड़ी कम उम्र में काम शुरू कर देते हैं। मैं पर्सनली जाती जानता हूँ, यानी बड़े बड़े मिलियनर्स को जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बड़े पले हैं, 8-8 साल की उम्र में वो क्या कहते हैं, मेलू में पानी दे रहे थे, डोल लेके गिलासों में पानी बेच रहे थे। जो शख्स अपनी जवानी में पैसे कमाना और जोड़ना शुरू कर देता है, वो उमूमन अपनी जो बाद की जिंदगी है, जो अगली मिडल है या लेटर एजेस है, उनमें वो गरीब नहीं होता। अगर आप लेट उठते रहे, टीवी वगैरह देखते रहे, और अपनी जवानी ऐसे ही उड़ा दी, तो वो वक्त जब आपको समझ आएगी कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो देर हो चुकी होगी।
क्योंकि आप जवान ही रहे होंगे, आपका वो दिमाग वही शार्पनेस नहीं आप में रही होगी, काफी सुस्त हो चुका होगा, और जाहिर है उस वक्त आपकी बॉडी भी आपका साथ वो जैसे नहीं दे सकेगी जिस तरह जवानी में दे सकती है, और शायद इट विल बिकम इम्पॉसिबल कि वो जितनी गैप आप में आ चुकी है आप उसको उबूर कर सकें। अक्सर इन सिचुएशंस में डैमेज इरिवर्सिबल होता है। नंबर चार, गरीब लोग स्पोर्ट्स बहुत पसंद करते हैं। स्पोर्ट्स से मेरा ये मतलब है कि स्पोर्ट्स देखना, स्पोर्ट्स टीम्स को सपोर्ट करना और पूरा पूरा दिन गुजार देना एक एक मैच देखने में, और जब मैच खत्म हुआ तो फिर आप उसके साथ जो कमेंट्री है वो देख रहे हो, और जब कमेंट्री खत्म हुई तो फिर देख रहे हैं कि फलां स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की फैमिली कैसी है, उनका घरेलू हालात कैसा है, वो ये जाति वक्त में क्या करते हैं वगैरह वगैरह। अगेन क्या कहते हैं, अपना सेलिब्रिटी की पूजा हो रही है। सच ये कि अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं हो और या आप क्या कहते हैं उन टीम्स के कोई मालिक नहीं हो, स्टेडियम्स के मालिक नहीं हो, चैनल्स के मालिक नहीं हो, देन आपके आपका इतना गर्ज स्पोर्ट के साथ नहीं होना चाहिए। मैं दो बंदों की कहानी सुनाता हूं आपको। मैं अक्सर उनको कहता हूं कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैं उस दिन ना मरूं जिस दिन आपकी टीम का मैच हो, क्योंकि अगर उस दिन मैं मरा ना तो मेरे जनाजे पे दो बंदे कम होंगे। ये ऐसे बंदे हैं दैट दे नॉट अमेजिंगली सक्सेसफुल इन लाइफ, बल्कि काफी इन्होंने ठोकरे खा लिए, मगर नो मैटर व्हाट हैपेंस ये अपनी टीम का कभी भी मैच मिस नहीं करेंगे। ये हजारों हर साल खर्च देंगे ऑन टिकट्स, ट्रैवलिंग के जी स्टेडियम में इनको जाके देखना है, उनकी मर्चेंडाइज लेनी है इनको, यानी बाहर कितना काम हो रहा है, दे रादर सिट इन होम टीवी के आगे, बेशक अगर उनके पास वो सैटेलाइट नहीं है तो फोन्स पे देख रहे हैं, लैपटॉप्स पे देख रहे हैं, लेकिन जी वो मैच जरूर देखना है। आई नो ये बजायर उतना ही बुरा दिखाई दे रहा है जितना मैं कहता हूँ गरीब लोग टीवी देखते हैं, बट इतना नहीं है, इट्स एक्चुअली वर्स, इससे ज्यादा मजीद बुरा है, क्योंकि ना तो वो हर चीज आपको नजरअंदाज कर रहे हो जो आपको प्रोडक्टिव बनाए, आपकी यानी मसलों को हल करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, जो पुटिंग ऑल अपनी जो एनर्जी है इनटू समथिंग जिसका आपके ऊपर आपको उसके ऊपर काबू नहीं है। कितने लोग हम जानते हैं जो यार इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स में पड़े जाते हैं, दिमाग लड़ा रहते हैं, गुस्सा खाते हैं, हफ्ता क्या है, इवन हर्ड कहानियां जहां पे आदमियों ने अपनी वाइफ्स को तलाक दे दिया, जहां से अपनी वो यानी फैमिली तबाह कर दी है बिकॉज एक आर्ग्यूमेंट थी, वो कोई क्रिकेट मैच, हॉकी मैच या फुटबॉल मैच से स्टार्ट हुई। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट एंटायरली अगेंस्ट स्पोर्ट, अगर खुद खेल रहे हो दिस नो प्रॉब्लम, मैं भी कभी कभार खेलता हूँ, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ ना, ऑफ्टन मैं ऐसे बंदों से खेल रहा होता हूँ दैट वी आर ऑलमोस्ट डिस्कसिंग, हमारी थेरेपी हो रही है, वी आर डिस्कसिंग बिजनेस, वी डिस्कवरिंग कोई ना कोई मसला, या मैं उनका हल कर रहा हूँ या वो मेरा हल कर रहे हैं। आई एम यूज दिस एज एन एक्सटेंशन टू मे बी फैमिली के साथ बॉन्डिंग हो रही है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, इट्स समथिंग प्रोडक्टिव, ऊपर से वो एक्सरसाइजिंग एंड वो अपनी सेहत को बेहतर कर रहे हैं। नंबर पांच, गरीब लोग अक्सर अपनी जो नाकामियां होती हैं उनकी जिम्मेदारी दूसरों पे डालते हैं। कितने लोगों को हम जानते हैं जो कहते हैं फलां जॉब मुझे नहीं मिली, दूसरे को मिल गई है क्योंकि उसने रिश्वत दी थी विदाउट एनी प्रूफ, या फलां को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बिकॉज वो फलां का सगा लगता है, या फलां स्टूडेंट ने ये पोजीशन ले ली, इतने नंबर ले ली क्योंकि वो मास्टर साहब के साथ ट्यूशन पढ़ता है। गरीब लोग हमेशा अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं, मासूम बताते हैं कि यार बेकसूर बताते हैं, यानी अपने जितनी भी जिम्मेदारी है वो अपने पे नहीं लेते। अमीर लोग उस सिचुएशन का जायजा लेते हैं, उस नाकामी का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि यार कहां पे मैंने गलती की थी ताकि फ्यूचर में मैं उससे अपने को बचा सकूं। एक और चीज जो अमीर लोग करते हैं, वो दूसरी टक्कर हर चीज को मारते हैं। सो नॉट ओनली डिड दे फेल द फर्स्ट टाइम, दे नेवर गिव अप एंड दे कीप ऑन ट्राइंग जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते। गरीब लोग अक्सर रुक जाते हैं आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। नंबर छह, गरीब लोगों के पास सेविंग्स कम होती हैं। सेविंग से मुराद बच्चे कुछ पैसे जो उन्होंने पैसे बचाए होते हैं साइड पे रखे होते हैं, बैंक में कुछ ना कुछ सेविंग रखी होती है, क्योंकि उनको फिक्र नहीं होती कि कल क्या होगा, कोई अननोन एक्सपीरियंस आ जाए हमारे पास बुरा या अच्छा। सोचो अगर कल कोई हादसा हो जाता है बुरे वाला, जिस बंदे के पास पैसा सेव्ड अप है वो उस पैसे को लेगा, उस सिचुएशन में डालेगा, अपने को उससे बचाएगा और जिंदगी के सफर पे फिर चल पड़ेगा। लेकिन जिसके पास बची कुछ नहीं होगी उसके पास तीन ऑप्शंस होंगे। एक तो वो अपना कोई ना कोई एसेट, गाय, बैल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, घर, बिजनेस, कुछ ना कुछ उसको बेचना पड़ेगा। दो, या उसको उधार उठाना पड़ेगा। या तीसरा ऑप्शन, उसको उस हादसे की वजह से अपने आप को गंवाना पड़ेगा। इन तीनों ऑप्शन से वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा। नंबर सात, ये जो अभी मैंने छठा बोला, जहां पे गरीब बंदा कल की फिक्र में नहीं डूबा रहता, सोचो अगर कल को एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो जिस बंदे के पास पैसा है वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा, उस पर टूट पड़ेगा, वो अमीर से और अमीर होता जाएगा। और जो गरीब मेंटालिटी का बंदा है उसने क्या करना है, उसके पास पैसे ही नहीं है उसमें डालने के लिए, और वो अपॉर्चुनिटी एवं जाया हो जाएगी। नंबर आठ, गरीब लोग फजूल चीजों के लिए उधार उठाते हैं, खासतौर पर बैंकों वाला उधार जिसपे सूद देना पड़ता है, कभी बड़ा टीवी या फजूल फंक्शनों वाली बड़ी बड़ी शादियां सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए यार हमारे पास पैसे हैं, या फॉरेन की हॉलीडेज, जरूरत से बड़ा घर या बड़ी गाड़ी। जब मैं इस वाले पे आया ना, बड़ी गाड़ी वाले, एक्चुअली मेड मी लाफ,
क्योंकि अगर आप मेरी तरफ देखो ना, जो मैं रोजमर्रा गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ वो 1.5 लाख की गाड़ी है, और पाकिस्तान में मेरे पास रिक्शा है जो 194,000 का मैंने लिया है। और मैंने एक कहानी बहुत अरसा पहले पढ़ी थी, आई डोंट नो 5-10 साल उसको गुजर गए, दैट बिल गेट्स ड्राइव्स अ 23-year-old वॉल्वो। कहने का मेरा ये मतलब है कि इन सब सिचुएशंस में जितना इन्होंने पैसा खर्चा, कभी इन्होंने एसेट नहीं बनाया जो इनको पैसे कमा के देगा। और तकरीबन हर चीज पे जिस पे इन्होंने पैसा खर्चा उसका नेमो बदल था, मच चीपर नेमो बदल था। छोटी शादी कर सकते थे, फॉरेन पे नहीं जा सकते थे, मोबाइल फोन नोकिया का वो ले लेते या सिंपल सा ले लेते जब तक हालात अपनी यानी अपनी जेब से वो पैसे नहीं दे सकते, उधार लेके खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अमीर लोग जब भी कोई कर्जा उठाते हैं वो हमेशा एसेट खरीदने के लिए होता है। उनको पता होता है कि जितने मैं पैसे उठा रहा हूँ, उधार ले रहा हूँ, उसमें डाल रहा हूँ, उल्टा वापस मुझे मजीद वापस पैसा आएगा, उससे ज्यादा पैसा आएगा जितना मैंने उनको वापस करना है। और जहां तक बाकी चीजों का रह गया, वो हमेशा वो चीजें लेते हैं जिससे उनका काम हो जाए। नंबर 9, गरीब लोग शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं, शोखियां बहुत मारते हैं। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, द डॉग दैट बार्क्स सेल्डम बाइट्स, जो कुत्ता भौंकता है वो कम ही काटता है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जरूरत से ज्यादा गाड़ियां किस्तों पे लेते हैं, वो बड़ी बड़ी शादियां उधार पे करते हैं, या उमूमन अपनी जितनी भी सेविंग्स होती है सबको एक दिन में उड़ा देते हैं। वो ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, यार देखो मैंने गुच्ची का टॉप पहना हुआ, मैंने रोलेक्स घड़ी पहनी हुई है। लेकिन अमीर लोग बरक्स इसके उसी रोलेक्स में शेयर्स लेते हैं, उसी जो मर्सिडीज गाड़ी है बड़ी उसकी कंपनी में शेयर्स लेते हैं, उन्हीं बड़ी बड़ी ब्रांडों गुची वगैरह के वो मालिक होते हैं। मेजॉरिटी जो अमीर लोग होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। एंड अनदर थिंग दैट आई हैव सीन इज दे डू नॉट केयर अबाउट के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और इसी सोचने के टॉपिक से आई विल मूव टू माई नंबर 10th पॉइंट। गरीब लोगों ने हर काम को 2 किस्मों में तकसीम किया हुआ है, छोटे काम और बड़े काम। गरीब लोग हमेशा इस सोच में पड़े रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में कैसे सोचेंगे, उनका सोशल स्टेटस कैसे अफेक्ट होगा, उनकी इज्जत नहीं रहेगी। उन्होंने अपनी इज्जत छोटी मोटी जूठी हुई अनाई चीजें में बनाई हुई है, दैट कि वो उसमें मेरी इज्जत होती है। अमीर लोग डोंट थिंक लाइक दैट। चंद ही दिन पहले मैं किसी को अपना एक सालाना वो दिखा रहा था, और ये बंदा मुझे कहता है मैं गरीब भूखा मर जाऊं लेकिन नाई का काम नहीं करूंगा। इसके बरक्स जो अमीर लोग होते हैं, देर हैप्पी टू डू ये छोटे बड़े काम, हाँ वेटरिंग हो, क्लीनिंग हो, ड्राइविंग हो, कुछ भी, और ये खुशी खुशी छोटे बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, रेडी का बिजनेस हो गया या अपना वन मैन सर्विसेज वाला बिजनेस हो गया, क्योंकि ये इस काम को छोटा नहीं देखते। दे सी इट एज अ पुल, एज अ ब्रिज, कि इन पुलों से गुजर के मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका। इनकी मंजिल ऑब्वियसली इज कामयाबी। चलो मिलियनेयर, दीज वर माई 10 चीजें जो गरीब लोग करते हैं अमीर लोग नहीं करते। इनमें गौर करो, इनमें कोई अगर आदत है गरीबों वाली, देन यू नीड टू चक इट आउट, ठीक है? एंड अमीरों वाली जो आदत है उसको अपनाओ। एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिजनेस की बात करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, देन कम टू माई वेबसाइट chaiwala.com, जहाँ पे और काफी फ्यूचर मिलियनर्स बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, उनसे आके गुफ्तगू करो, डिस्कस बिजनेस विद ईच अदर एंड बिकम सक्सेसफुल अ लॉट क्विकर इंशाल्लाह। ठीक है जी, मैं हूँ आजाद चाय वाला, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।